समस्त वृंदावन वासियों का अगाढ़ प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है, और विशेष रूप से गोपियों का अनन्य प्रेम तो। पर आप सबसे पहले लाइव प्रूफ देखिए, मैंने यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर रखा है और यहाँ पर सर्च बार में मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर लिटिल कृष्णा, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लिटिल कृष्णा, तो उनकी वीडियोज यहाँ पर देखिए, देखिए मैंने यहाँ पर सर्च किया लिटिल कृष्णा, तो यहाँ पर आप लिटिल कृष्णा की वीडियो देख सकते हैं। इस पर यहाँ देखिए 7 साल पहले 10 करोड़ व्यूज़ है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, इनको यहाँ पर देखिए व्यूज़ देखिए, 5.1 करोड़ व्यूज़, 12 लाख व्यूज़, 1.2 करोड़ व्यूज़, 1.8 करोड़ व्यूज़, और भी नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.5 करोड़ व्यूज़ है 4 साल के अंदर। और भी नीचे जाइए देखिए, यहाँ पर 1 करोड़ व्यूज़ 3 साल के अंदर। यहाँ पर देखिए शॉर्ट वीडियो में भी यहाँ पर अच्छे खासे व्यूज़ ऐसी वीडियोज़ पर मिल रहे हैं, तो आप भी ऐसी वीडियो बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंट्रो वीडियो में बनाकर डाल रखा है। तो आप भी बहुत ही आसान तरीके से ऐसी वीडियो बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, किस तरह से आपको एडिटिंग करनी है, कहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा, सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपसे कुछ पार्ट मिस हो जाएगा, उस वजह से आपकी वीडियो भी बिगड़ सकती है। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो करते स्टार्ट, लेकिन इन सबको जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो दोस्तों सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर सर्च बार में आपको सर्च करना है वंडरफुल कृष्णा। तो जैसे आप यहां पर सर्च करेंगे वंडरफुल कृष्णा, तो ये वाला ऐप आएगा सबसे टॉप पर, तो इसको आपको यहां पर डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर डाउनलोड हो रखा है मेरे मोबाइल में पहले से, और इसको डाउनलोड करने के बाद आप और एक और ऐप डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है स्क्रीन रिकॉर्डर, जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लीजिए। जब आपका स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड हो जाए और ये वाला ऐप डाउनलोड हो जाए, उसके बाद आपको इसको ओपन करना है, यानी कि प्ले करना है। मैं इसकी आवाज़ को थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि इसको ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला फ्लूट वाला है, यहाँ पर देखिए फ्लाइंग बर्ड वाला है, यहाँ पर देखिए माखन चोर है, तो यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब जो जैसा भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर सिंपली प्ले कर लेना है। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ये वाला करेंगे फ्लाइंग स्टोन थ्रो पर, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, यानी कि कृष्ण भगवान कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप इनको जिस साइड में मूव कराएंगे उस साइड में ये मूव करने लग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये बटन दिया हुआ है, इसकी मदद से आप कहीं पर भी इनको ले जा सकते हैं। अब आपको इसको मूव कर करके उंगली से मूव कर करके आप इसको यहाँ पर खेलते रहिए, और खेलते खेलते आप इसको यहाँ पर इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की मदद से। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये मटके के पास जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से आप इस तरह से इनको मटके के पास ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह से आप मटके के पास ले जा सकते हैं, और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए इनको मैं इस तरह से इनको यहाँ पर इस तरह से कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए इन्होंने पत्थर फेंका और मटका यहाँ पर टूट गया है, देखिए मटका नीचे आ गया। तो इस तरह से आपको इसको प्ले करते रहना है। अगर आपका ये वाला पूरा हो जाए तो इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सेव कर लेना है। अगर आप दूसरा खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर होम पर चले जाना है, और होम पर जाने के बाद जैसे आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला यहाँ पर प्ले हो जाएगा। अब मैं इसकी भी वॉइस आपको यहाँ पर सुनाता हूँ, देखिए कितनी अट्रैक्टिंग इनकी वॉइस यहाँ पर लग रही है, देखिए देखिए जैसे आप इनके पास जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी यहाँ पर देखिए कितनी अट्रैक्टिंग इनकी वॉइस लग रही है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर कुछ जो जानवर है पक्षी है वो इनकी यहाँ पर जो बांसुरी की आवाज़ है वो सुन रहे हैं। तो इस तरह से आपको इनकी सबसे पहले पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर लेनी है अच्छे से। अब जब आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव हो जाए उसके बाद उस पर करनी है आपको एडिटिंग। तो एडिटिंग करने के लिए आपको चले जाना है अपने काइन मास्टर ऐप पर। जैसे मैं काइन मास्टर को यूज़ करता हूँ तो काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 16:9 की रेशो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करना है, और आपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट करना है और पैन एंड जूम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बराबर वाला निशान है, इस पर क्लिक कर देना है और दोनों उंगली से पकड़ कर कुछ इस तरह से इसको जूम कर देना है। देखिए इस तरह से जब आप इसको इस तरह से जूम कर देंगे तो यहाँ पर देखिए मैं प्ले पर क्लिक करता हूँ। तो
इस तरह से हमारा यहाँ पर वीडियो क्रिएट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इस पर वॉइस ओवर करना तो वॉइस ओवर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इस पर कुछ और एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके थोड़ा सा इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं इनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट की तरफ, यहाँ से आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। इनका फिल्टर वगैरह आप अच्छा सा यहाँ पर लगा सकते हैं, देखिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर वॉइस पर आप क्लिक करके इसका वॉइस 200 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे कुछ और लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप वॉइस चेंजर की मदद से वॉइस चेंज कर सकते हैं अपना वॉइस ओवर का। यहाँ पर देखिए किड वाला है, मेन वाला है, यहाँ पर देखिए आप वुमेन वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पर वॉइस भी चेंज कर सकते हैं। और अब इस जब वीडियो क्रिएट हो जाए उसके बाद इस वाले निशान पर क्लिक करके इसको सेव करके अपने चैनल पर अपलोड भी कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तो आपको कोई कॉपीराइट क्लेम मिलेगा, ना ही स्ट्राइक मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐप की मदद से आपने बनाया है और उस पर भी आपने अपनी खुद की एडिटिंग ऐड कर दी है, खुद का वॉइस ओवर ऐड कर दिया है। इस वजह से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरह से आप लिटिल कृष्णा वाले वीडियोज़ क्रिएट करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है इनको बनाना, बहुत ही आसानी से आप ऐसा वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।